नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार सरकार के जो 28 विधायक हैं उन लोगों को घर मिल रहा है। जी हाँ, उनके नाम से जो है वो घर अलॉट हो रहा है। ये बंगला आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये घर जो है बता दें कि वीरचंद पटेल मार्ग पर है और लाइन से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बंगला ये बना हुआ है, ये 28 विधायकों के लिए बना हुआ है और 28 विधायक जो हैं वो यहाँ पर आकर के रहेंगे। इस पे काम चल रहा है, अभी भी काम जारी है और 28 विधायकों के लिए ये जो पूरा का पूरा बंगला बन रहा है ये अलॉट होगा। हालांकि लगभग इसका काम पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी अभी भी काम इसमें जारी है, फर्निशिंग हो रहा है। घर के अंदर भी ले चलेंगे लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी से चाहूँगी कि पूरा नज़ारा दिखाए कि किस तरीके से जो 28 विधायकों को अब ये बंगला जो है वो अलॉट होना है, वो बंगला जो है वो ये सामने है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें कि इसका निरीक्षण खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी किया था और अब बिहार के 28 जो विधायक हैं उनको ये बंगला मिलेगा। तो इसका काम जब तक पूरा नहीं होता है, अब देखने वाली बात होगी कि कब इसका काम पूरा हो जाता है और कब यहाँ पर जो बिहार सरकार के 28 विधायक हैं वो आकर रहेंगे। हम आपको घर के अंदर भी ले चलते हैं कि किस तरीके से जो ये घर बनाया जा रहा है विधायकों के लिए वो घर है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर काम जारी है, फर्निशिंग का भी काम चल रहा है, फर्नीचर्स भी जो हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये एरिया ड्राइंग रूम का है, ड्राइंग रूम का, और यहाँ पर फर्नीचर लगाए जा रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके द्वारा ये देखिए कि किस तरीके से। ये एरिया बेडरूम का है, यहाँ पर एक बेडरूम है, ये वार्डरोब भी बनकर के तैयार हो रहा है। वार्डरोब की भी व्यवस्था है। यहाँ सोफा देख सकते हैं, वो है, बेड है, मतलब अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से जो फर्निश्ड घर है, जो फर्निश्ड फ्लैट्स हैं वो बिहार सरकार के 28 विधायकों को मिलेगा और ये अलॉट होगा उनके नाम पे। और देखिए काफ़ी मतलब एक कहा जाए अगर तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये घर बना हुआ है और ये अब 28 विधायक जो है इसमें रहेंगे। किचन का एरिया भी हम आपको दिखाते हैं कि ये है किचन का एरिया, ये एक बंगला हमने दिखाया, ऐसे और भी यहाँ पर बंगले जो हैं वो बनकर के तैयार हो रहे हैं और ये बिहार सरकार के 28 जो हैं विधायक उनको अलॉट होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इसका निरीक्षण खुद किया था और अब उन्हें मिल रहा है, ये फ्लैट्स जो हैं वो बनकर के तैयार हो रहे हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पर सारी की सारी फर्निशिंग भी की जा रही है, फर्नीचर्स भी अब लाए जा रहे हैं। लगभग इसका काम पूरा होने पर है, लोग जो हैं अब इसकी फर्निशिंग करें। फिनिशिंग की बात अगर की जाए तो फिनिशिंग यहाँ पर कह लें तो फिनिशिंग चल रहा है और जो यहाँ पर तमाम जो मजदूर हैं या फिर कह लें कि जो काम कर रहे हैं यहाँ पर वो लगातार लगे हुए हैं ताकि ये जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए। ऊपर का एरिया भी हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर का एरिया किस तरीके का है। ये तो नीचे की बात हमने की, यहाँ से जो है फर्स्ट फ्लोर पे ये एरिया, ओपन एरिया जो है वो दिया गया है। तो आइए चलते हैं, ड्राइंग रूम भी आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम भी जो है वो किस तरह का है। तो विधायकों के लिए, जो तमाम विधायक हैं बिहार सरकार के लिए, उनके लिए एक सौगात के तौर पर है ये कि इतना अच्छा फ्लैट जो है अब उन्हें अलॉट हो रहा है। ये है देखिए ड्राइंग रूम का एरिया, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये ड्राइंग रूम का एरिया और ये विधायकों को मिलेगा। जी हाँ, बिहार सरकार के जो विधायक हैं उनको ये जो जितने भी फ्लैट्स बनकर तैयार हो रहे हैं, ये तो एक फ्लैट हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन ऐसे तमाम जो फ्लैट्स हैं वो बनकर के तैयार हो रहे हैं और 28 विधायकों को ये सारे ही फ्लैट्स अलॉट होंगे। इसके ऊपर भी, जैसा कि हमें बता रहे हैं कि इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर पर हम चलते हैं और सेकेंड फ्लोर पर क्या कुछ खास बना हुआ है विधायकों के लिए वो देखने के लिए चलते हैं कि सेकेंड फ्लोर पर क्या कुछ है। तो काफ़ी खूबसूरती के साथ ये जो बंगला है वो तैयार किया जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत है और इसके थर्ड फ्लोर पे क्या कुछ खास बनकर तैयार हुआ। घुसते के साथ पहले तो बता दें कि ये किचन का एरिया हमें दिख रहा है, किचन बना हुआ है एक छोटा सा और यहाँ पर देख सकते हैं एक रूम है घुसते के साथ लेफ्ट साइड में। एंटर जैसे ही हमने किया, इसके आगे
यहाँ पर भी एक छोटा रूम दिखाई दे रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। वहीं इधर की अगर बात करें तो यहाँ दो वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। तो ये सेकंड फ्लोर पर जो कुछ बना हुआ है वो हमने आपको दिखाया। चलिए इधर देखेंगे, इधर भी कुछ बना हुआ है। अच्छा, तो ये टेरेस है, ये टेरेस का एरिया है, ये जो है ये टेरेस का एरिया बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी खुली हवाएं जो हैं वो आती हैं। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि पानी की टंकी जो है वो मौजूद है, इसके ऊपर भी थोड़ा खुला एरिया है और काफ़ी खुले मकान बने हुए हैं और बंगला काफ़ी ही आलीशान, अगर कह ले तो आलीशान है। और 28 विधायकों को सौगात के तौर पर ही मिला है बिहार सरकार की तरफ से। तो यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, तो यहाँ कितने घर बनकर तैयार हुए? ये अभी 28 घर बनकर तैयार, 28 घर बने 28 विधायकों के लिए। जी 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 जी। तो 28 जो घर बने हैं सब में इसी तरीके का बन तो गए हैं पूरे। हाँ, नहीं नहीं, सब में इसी तरीके का सेकंड फ्लोर तक का ही रूम है। जी जी, सेम है। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि वीर चंद पटेल मार्ग की अगर बात कर ले तो वीर चंद पटेल मार्ग पर ये 28 जो बंगले हैं वो बन करके तैयार हो रहे हैं। बंगले ही नहीं कहेंगे, आलीशान बंगले हैं ये, बन करके तैयार हो रहे हैं 28 विधायकों के लिए। और ये जल्द से जल्द जो है अब 28 विधायकों को अलॉट होंगे। कब यहाँ पर विधायक रहने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसका काम जो है वो अब पूरा लगभग हो ही गया है और कुछ फिनिशिंग जो है अगर कह लें तो फिनिशिंग अभी इसकी बाकी है। हालांकि अभी फर्नीचर्स भी लगने बाकी हैं, फर्नीचर्स भी लग रहे हैं। हमने आपको जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से दिखाया तो एक बड़ी सौगात जो है वो बिहार सरकार के 28 विधायकों को मिली है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।